दस्तावेज लेखक व स्टाम्प वेंडरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्री से दस्तावेज लेखक बेरोजगार। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक व स्टाम्प वेंडरों जन कल्याण संघ विमेतरा द्वारा जिला पंजीयन कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर जिला उप पंजीयन कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि प्रदेश भर के पंजीयन कार्यालय में एक नई योजना सुगम अप को लागू कर दिया गया है, जो एक पारदर्शिता के नाम पर आम व्यक्ति के द्वारा घर बैठे रजिस्ट्री करा सकने का प्रचार किया जा रहा है। इससे दस्तावेज लेखकों व स्टाम्प वेंडरों को बेरोजगार करने का उपक्रम प्रतीत हो रहा है। वर्षों से अवैनैतिक सेवा करने वाले दस्तावेज लेखक व स्टाम्प वेंडरों के द्वारा अपनी कुछ जायज़ मांगों को पूरा किए जाने के लिए ध्यान आकृष्ट करने विभिन्न चरणों में मांग सौंपा गया। दस्तावेज लेखकों व स्टाम्प वेंडरों द्वारा आज एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल पर है। सरकार द्वारा सुगम ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके विरोध में हम लोग दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर आज हड़ताल में हैं। उसमें ये परेशानी है कि स्पॉट में जाके फ़ोटो लेना है 3 साइट का, वो लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि यहाँ काम करें या फिर वहाँ फ़ोटो खींचने जाएं, इस टाइप का समस्या आ रहा है उसमें, जो किसान को भी परेशानी है और दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर को भी परेशानी है उसमें। जी, एक विश्वसनीय व्यक्ति के बगैर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं करवाते थे। जी, यदि पेपरलेस यदि हो उस दौरान में, यदि फ्रॉड भी होता है या फर्जीवाड़ा होता है, उसके लेनदार कौन रहेगा? तो क्या लगता है, बिना इस विश्वसनीयता के ऐसा कार्य किया जा सकता है? हमारे हिसाब से नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाह भी हम लोग हटा रहे हैं जी, उसमें संभावना फर्जी होने का अधिकतर रहेगा उसमें जी। क्या लगता है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे क्या? क्योंकि गरीब तबके के लोगों को तो कुछ एबीसीडी पता नहीं है, वो किसी भी एक विश्वसनीय व्यक्ति को जब तक नहीं लाएगा तब तक रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकते। क्या लगता है ऐसा? ग्रामीण बेस छत्तीसगढ़ पूरा ग्रामीण बेस है पूरा जी, उसमें लगभग किसान लोग ये नहीं कर पाएंगे जी। ये अकाउंटलाइजर वगैरह के लिए जो बड़े पूंजीपति हैं, वो उनके लिए एक बार संभव हो सकता है। क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं राज्य सरकार को? पूर्ववत प्रक्रिया बाकी की प्रक्रिया में जो बदलाव किया जा रहा है जी, जिससे हम समस्त दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर भयभीत हैं जी, कि वर्षों से हम इस काम को करते आ रहे हैं, अगर वो प्रक्रिया लागू होगी तो हमारी स्थिति क्या रहेगी जी? हम बेरोजगार हो जाएंगे, रोजी रोटी की समस्या आएगी। इसके संबंध में हमको कुछ दिशा निर्देश नहीं दिया गया जी। नए नए बच्चे जो अभी काम में लगे हुए हैं, उनके भविष्य अंधकार में है, इसलिए कि हमारा समय तो समाप्त हो गया, लेकिन जो नए बच्चे अभी इस काम में लगे हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? उनका एस भी बार हो गया है, कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते वो। ये इस कारण से हम भयभीत हैं और शासन से मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों की सहभागिता पूर्ववत रखी जाए, ताकि हम इस व्यवसाय से बाहर न हो सकें।